हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ परमानेंट पोस्ट जो कि आपकी टीचिंग से रिलीज्ड हुई है। यहाँ पे अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट रहेगी जून में, तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहे हैं आपके, जो क्वालिफिकेशन पीजी, नेट पीओ, पीएचडी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगी, वो हमने आपके वीडियो में कवर कर दी है। प्लस यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के अंदर यूजीसी की, आईसीटी की, वहाँ से भी आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट आराम से अप्लाई कर सकता है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी आपको अप्लाई करने के लिए। प्लस मेरा एक सजेशन रहेगा, जैसे आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में पीडीएफ मिल जाती है यूजीसी और एआईसीटी गाइडलाइंस की, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मोस्टली आपके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यूजीसी के अकॉर्डिंग ही रहता है। ठीक है, चलो आगे वीडियो में बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और उससे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए बढ़िए, ताकि आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी। आपको यहाँ पे एक नोटिस मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फैकल्टी मेंबर्स के लिए है यहाँ पे। यहाँ पे आपको थ्री चीज़ें मिलेंगी, एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहीं से हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले आपके एडवर्टाइजमेंट, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है, फिर देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपकी पोस्ट रिलीज हुई है एंड मूवमेंट टू द एडुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट रिलीज हुई है 9th of May को, अप्लाई करना है आपको, लास्ट डेट रहेगी 15th of June। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा है, लाइक 2000 रुपीज़ रहेगी आपकी फॉर जनरल एंड ओबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिजर्व के अंदर आपकी 1000 रुपीज़ लगेगी, लाइक फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी भी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी थोड़ी बहुत ज़्यादा। उसके अलावा देखते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मेंशन कर रखा है। एडवर्टीजमेंट में आपको सिर्फ इतना ही नोटिस मेंशन था कि आपकी लास्ट डेट क्या है प्लस आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट आपको मेंशन कर रखी है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे आपकी तीनों ही पोस्ट रिलीज हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्वालिफिकेशन आपकी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी प्लस एआईसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी, और उसके नॉर्म्स की जो आपको पीडीएफ है वो इसी नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, एक पोस्ट आपकी प्रोफेसर की है, एसोसिएट में 2 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी 4 पोस्ट रहेगी। कौन से डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से। स्पेशलाइजेशन मेंशन कर रखी है यहाँ पे आपको, हर पोस्ट के लिए मेंशन कर रखी है, लाइक प्रोफेसर के लिए आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस रहेंगी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी क्या प्रेफरेंसेस रहेंगी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए आपकी प्रेफरेंसेस क्या क्या रहेंगी, वो तीनों ही आपको अलग से मेंशन कर रखी है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से, यहाँ पे भी तीनों ही पोस्ट रिलीज हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। नंबर ऑफ आपकी वैकेंसी रहेगी 1, 2 एंड 4। क्वालिफिकेशन यूजीसी के अकॉर्डिंग, स्पेशलाइजेशन भी आपको मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन, यहाँ पे आपकी तीनों पोस्ट है, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है प्लस स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर रखी है। लाइक यहाँ पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में अप्लाई करो तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, बाकी प्रेफरेंस किस किस वालों को दी जाएगी वो चीज़ें मेंशन कर रखी है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी में आपको पोस्ट मेंशन कर रखी है तीनों ही। वैकेंसीज 1, 2 एंड 4 रहेगी, 1 फॉर प्रोफेसर, 2 फॉर एसोसिएट एंड 4 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आपको तीनों ही पोस्ट के लिए अलग से मेंशन कर रखी है। ये चार ही डिपार्टमेंट्स आपकी पोस्ट रिलीज हुई थी, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा था पीडीएफ मेंशन मिल जाएंगे यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है एडुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पर तो आपको स्पेशलाइजेशन मेंशन कर रखी थी। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको अपना अप्लाई कैसे करना है और फ़ी पे कैसे करनी है। फ़ी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है, उसके लिए आपको सारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी इनके ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, उसको आपको फिल करना है प्लस इनके पोस्टल एड्रेस पर सेंड कर देना। एक ही ऐसा पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो तो डिफरेंट आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। तो नहीं, आपको यूनिवर्सिटी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही है, कोई भी ट्रैवल अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो। ठीक है, इतना इस नोटिफिकेशन में था, बाकी मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वारीज ना रहे, आपको
अपना फॉर्म फिल करने में। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसको बहुत इजीली आपको फिल करना है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। एडुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिसीव्ड, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज, या सेमिनार अटेंडेड, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके अलावा और सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली फिल कर लोगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। अगर आपके पास PhD है तो उससे रिलेटेड भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हो। या आपके पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुई है सूरजमल यूनिवर्सिटी किच्चा से, ठीक है। आपको बहुत टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए, आराम से अप्लाई कर सकते हो। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं चैनल को ढेर सारा प्यार दे, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।